फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम ट्यूट्स में। तो आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीता मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुतिया पाहन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुतिया नागखंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुतिया पाहन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदरा मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम शताब्दी में। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फणी मुकुट राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फणी मुकुट राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फणी मुकुट राय की राजधानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुतियांबे इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जी रीट के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का राज्य कितने परगना में विभाजित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फणी मुकुट राय इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फणी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचेत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पंचेत राज्य स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागवंशी राज्य के पूर्व में। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फणी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूंझोर राज्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्यूंझोर राज्य स्थित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागवंशी राज्य के पश्चिम में। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागवंशी शासक फणी मुकुट राय का दीवाना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्र राय श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फणी मुकुट राय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक फणी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वागदेव सिंह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रताप राय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुटिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमकर्ण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलचूरी राजवंशी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई में सरगुसा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमकर्ण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमकर्ण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
वासुदेव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमकर्ण इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुस्लिम आक्रमण इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो पहला में प्रताप कर्ण, दूसरा में छत्र कर्ण, तीसरा में विराट कर्ण, तीनों ही इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटवार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमाड़ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रताप कर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बागदेव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्णपुरा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, नागवंशी राज छत्र कर्ण के शासनकाल में कोरम्बो में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विष्णु इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैष्णव मत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, रामशाह निम्न में से किसके समकालीन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह प्रथम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्रुखसियर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1,00,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर बुलंद खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पालकोट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फखरुद्दुल्ला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, फखरुद्दुल्ला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12,000 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयनाथ शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके मध्य से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजार का भुगतान करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, उदयनाथ शाह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामगढ़ इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्याम सुंदर शाह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगाल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था, बंगाल का सूबेदार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलीवर्दी खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, तो अगला प्रश्न है, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1742 इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।